नमस्ते, मेरा नाम कविता है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में। सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। बोस के पिता का नाम सुरेंद्रनाथ बोस था और वो ईस्ट इंडियन रेलवे में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। बोस बचपन से ही गणित और भौतिक में होशियार थे और हमेशा अच्छे अंक लाते थे। बोस ने अपनी प्रतिभा का परिचय कॉलेज में भी दिया और एमएससी की परीक्षा प्रथम स्थान से उत्तीर्ण की थी। 1916 में बोस कॉलेज में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए। 1921 तक कॉलेज में पढ़ाने के बाद बोस ढाका विश्वविद्यालय चले गए। यहाँ पर सत्येंद्रनाथ बोस ने बतौर भौतिक व्याख्याता और लीडर का कार्य किया था। उस समय क्वांटम फिजिक्स की एक नई अवधारणा का जन्म हुआ था। जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम भौतिक पर थ्योरी दी थी, जिस पर सत्येंद्रनाथ बोस ने रिसर्च और अध्ययन किया। सत्येंद्रनाथ बोस ने क्वांटम भौतिक पर शोध पत्र लिखा, प्लांक लॉ एंड लाइट क्वांटम। वो यह शोध पत्र ब्रिटिश जर्नल में छपाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश जर्नल ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद यह शोध पत्र अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा। अल्बर्ट आइंस्टाइन को यह शोध पत्र काफ़ी पसंद आया और वो बोस के प्रतिभा के कायल हो गए। यह वो समय था जब दो शख्सियत साथ आए, अल्बर्ट आइंस्टाइन और बोस ने सांख्यिकी अवधारणा मिलकर दी थी। 1926 में बोस ढाका यूनिवर्सिटी में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए। 1945 में बोस कोलकाता यूनिवर्सिटी में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद सत्येंद्रनाथ बोस विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कुलपति भी रहे थे। 1958 में सत्येंद्रनाथ बोस को रॉयल सोसाइटी का सदस्य मनोनीत किया गया था। उसी वर्ष सत्येंद्रनाथ बोस को सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया था। 4 फरवरी 1974 को सत्येंद्रनाथ बोस का कोलकाता में निधन हो गया। सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर एक क्वांटम भौतिक में एक कण का नाम बोसान रखा गया है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। धन्यवाद। The World Cancer Day. World Cancer Day is an international day marked on 4th February to raise awareness of cancer and to encourage its prevention, detection, and treatment. World Cancer Day is led by the Union for International Cancer Control, UICC, to support the goals of the World Cancer Declaration written in 2008. The primary goal of World Cancer Day is to significantly reduce illness and death caused by cancer and is an opportunity to rally the international community to end the injustice of preventable suffering from cancer. Multiple initiatives are run on World Cancer Day to show support for those affected by cancer. One of these movements are No Hair Selfie, a global movement to have healthy people shave their heads either physically or virtually to show a symbol of courage for those undergoing cancer treatment. Images of participants are then shared all over the social media. Every 3 years, there is a new theme for this day. World Cancer Day 2022 marks the first year of a new 3-year campaign centered on issue of equity. The campaign theme for this year, that is 2022 to 2024, is Close the Cancer Gap, which recognizes the power of knowledge. We know that every single one of us
has the ability to make a difference, large or small, and that together we can make real progress in reducing the global impact of cancer. Thank you.